यहाँ पे अंकल जी है तो मेरे को मदद किया है। तो यहाँ से करीब करीब 12 किलोमीटर दूर है और मौसम ये देखो भाई, मौसम कुछ इस तरह से मेरे लिए बैड डे था यार। पिछले ना मैं 2-4 घंटों से मैं रहने की जगह ढूंढ रही थी बट मेरे को नहीं मिला था। और ये हनुमान जी, सो हे गाइज गुड मॉर्निंग, स्वागत है फिर से मेरे एक नए ब्लॉग पे। सो गाइज मैं तुम्हारे से कुछ दूरी पे, किलोमीटर दूरी पे रुका हूँ और ये कल रात को यहीं पे सोया था मैं। और ये मेरा ये सारा सामान बिखरा पड़ा हो, साइकिल वहाँ पे है, सामान वगैरह लाद रहा है यहाँ पे। कल रात के विश्राम यहीं पे किया था तो मंदिर के जस्ट सामने में है, तो पूरा सामान वगैरह लौते हैं साइकिल पे फिर यहाँ से निकलेंगे। सो फाइनली गाइज यहाँ से निकलने की फुल तैयारी हो चुकी है, ये चेक करो गाइज पूरा मैंने रेडी कर दिया है। ये लोड कर रहे ना भाई ना, करीब करीब आधे घंटा से लोड कर रहा हूँ। सो अभी अभी धूप ना 30 डिग्री सेल्सियस है भाई, क्या बताओ इतना सुबह सुबह। और सुबह के ना 6:05 हो चुका है। मेन हाईवे पे हूँ, सो ये मेन हाईवे का नज़ारा। ये हाईवे ना मोतिहारी और मुजफ्फरपुर को जोड़ता है, तो आप सब में मिल के इतना सपोर्ट किया कि 1K फैमिली जुट चुका है भाई साहब, तो क्या बताऊँ आप सभी का थैंक यू सो मच इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। और अभी शाम को 4 बजने वाला है, नाश्ता वगैरह कुछ नहीं किया हूँ, आगे जाके करूँगा क्योंकि हम ना लखनऊ के मेन रोड पे छिरेंगे, उसके बाद ही नाश्ता वगैरह करेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। चार दिन के बाद मुझे ट्रेन के पटरी देखने को मिल रहा है, ये देखो यहाँ पे। और घाम देखो भाई, कितना धूप लग रहा है मेरे चेहरे पे। और गाइस ना ट्रेन अभी अभी जस्ट निकल चुका है मेरे आने से पहले, मैं पीछे था ना तो ये बहुत कलर आलो है, सो पीछे था चला गया। और मैं ना क्या सोच रहा था ना, आज से मैं बिहार कट जाऊँगा बट तो ऐसा नहीं हुआ। बिहार बहुत सब स्टेट सबसे बड़ा स्टेट है, सभी से बड़ा स्टेट है गाइस गाइस। सो गाइस बिहार में ही कट पाया हूँ, अभी बिहार ही में शायद कल या परसों ही कर देगा। ट्रेन निकल चुका है और अभी भी धूप है भाई, 6:15 बजने वाला है, बहुत ज़्यादा धूप है और भूख भी लग चुकी है। क्या कहीं होटल वगैरह मिलेंगे तो खाएंगे कुछ। और भाई ना जितना सोच रहा था कि बिहार से सपोर्ट मिलेगा उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा बिहार से, बहुत सारे लोग आते हैं पूछ लेते हैं और छोड़ देते हैं। और एक बात तो भाई, एक मंदिर में मैंने रुका था ना, वहाँ पे अजीब अजीब तरह के मुझे सवाल किए जा रहे थे जो कि बिहार के लोग हैं, देख सकते हैं आप लोग। ये देखो भाई साहब, अकेला हूँ मैं राइड कर रहा हूँ। के हाईवे में है और एक अंकल है ना, वो बोल रहा है कि विश्राम करने की जगह मेरे लिए है बट वो बहुत दूर है, 10 किलोमीटर और मेरे साइकिल चलाने की शक्ति भी ख़त्म हो चुकी है भाई, बहुत ज़ोर से भूख लगा है। अंकल जी ने खाने के लिए होटल खोज रहे हैं, ढाबा वगैरह। अंकल जी स्कूटी से आ गए हैं,
और मैं पीछे हूँ। देखते हैं अंकल जी क्या मदद करते हैं। बोल रहा कि मैं संस्कृत हूँ और ढाबे पे मेरे लेके जा रहा है। 10 किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर दूर चला लूँगा, बट मुझे सर में एक भी थोड़ा सा भी एनर्जी नहीं, तो खाना खाने के बाद ही पता चलेगा क्या होगा। चाट होगा गाय जो अभी अंकल लेके आ गए, यहाँ पे उसमें बाइक के लिखा के मदर डेरी, सो ये अंकल लेकर आए यहाँ पे होटल पे। वो चाट हो रहा, चाट है क्या मिलेगा? चूरा हो रहा, चूरा भी चलेगा। खाने में हमें ये मिला है चना चूरा, यहाँ पे 2 समोसा और यहाँ पे अंकल जी है तो मेरे को मदद किया है। तो अभी यहाँ से दूर है, 12 किलोमीटर दूर रहने की जगह, खा के देखते जाएंगे वहाँ पे। नाश्ता वगैरह कर लिया है और अंकल जी ने बुलाया है अपने डेयरी पे, क्योंकि वहाँ रहने वहने का पूरा सुविधा है बोल रहा था। तो यहाँ से करीब करीब 12 किलोमीटर दूर है और मौसम ये देखो भाई, मौसम कुछ इस तरह से है, तो हमें 12 किलोमीटर दूर पार करना पड़ेगा जगह पे जाने के लिए, तो थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। भाई आज 1K सब्सक्राइबर पर एक ही अंकल ने खाना खिलाया, तो थैंक यू सो मच भोलेनाथ जी की कृपा से कहीं कहीं खाना मिल जाता है। और मैं भोलेनाथ से भी रास्ता कराऊँ कि बारिश थोड़ी 10 मिनट या 15 मिनट के लिए रुक जाए, नहीं तो पूरा सामान वगैरह मेरा भेज चुका भेज जाएगा और मंदिर पे नहीं पहुँच पाऊँगा। तो गाइज आज मेरे लिए बैड डे था यार, पिछले ना मैं 2-4 घंटों से मैं रहने की जगह ढूंढ रही थी बट मेरे को नहीं मिला था। और ये हनुमान जी का मंदिर है, यह पेट्रोल पंप के साइड में वहाँ पे, और वहीं पे मैं रुका हूँ आज। सो पेट्रोल पंप पे बोलबम के भी लोग आए हैं, देख सकते हैं यहीं पे विश्राम कर रहे हैं। तो क्या बताऊँ यार, बहुत दिक्कतों के साथ लड़ना पड़ रहा है। 2 रोटी मैंने खा लिया, 2 रोटी पास रखे हैं, तो आज का दिन मेरे लिए बहुत ही बैड था। सो आप लोग सब सपोर्ट करो और थोड़ा प्यार दिखाओ ज़्यादा से ज़्यादा, जितना आप लोग सब फेसबुक पे सपोर्ट करते हो उतना यूट्यूब पे भी करो सचिन ब्लॉग पर, क्योंकि मध्य प्रदेश का बेटा कोई ट्रैवल कर रहा है। तो फिर अगले नेक्स्ट ब्लॉग तो मिलते हैं, तब तक ले बाय बाय, जय नेपाल।